सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबू सुपानिया। जैसे कि आप जानते हो, मैं बुफर्ट और सीनियर स्किल का, और आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट सक्सेस सीरीज के अंदर में, जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट से बात करते हैं। उसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस, उनके स्ट्रगल बताते हैं उसके बारे में। तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ में है रजत। तो मैं जयपुर आया हूँ, रजत के ऑफिस में बैठा हूँ, और इनके पीछे में जो आपको डूडल नजर आ रहे हैं, ये भी इनके ऑफिस में कलाकारी है, पूरी नहीं आ रही है बट इनकी कलाकारी है। तो आज हम लोग बात करेंगे रजत से, रजत की जर्नी जानेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे ये आए डिजिटल मार्केटिंग में। तो रजत का आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि रजत को आज से नहीं है, काफी सालों से वो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी कर रहे हैं। इनका एक ब्लॉग चलता है, जयपुर ब्लॉग, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपनी जर्नी का बताइए, कैसा होता है, ऑडियंस को बताइए क्या होता है। जयपुर सिटी ब्लॉग हमने 2014 में बनाया था, जिसको मजे मजे में एज अ पैशन बनाया था, बट आज एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन गया है। और जयपुर के ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड्स, भले कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, स्टार्टअप्स हो, सब हम लोग को जानते हैं, हम लोग के साथ काम करते हैं, हम लोग उस पर प्रमोशन करते हैं। एंड अब जयपुर सिटी ब्लॉग टोटली मेरी टीम संभाली है, उसमें वो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं बोल रहे, वो ऑटो पायलट हो चुका है। तो अगर हम लोग बोले कि लैंटर्न फेस्टिवल जो है, तो उसमें भी आप लोग बहुत ज्यादा, यू नो, जयपुर में बहुत ज्यादा प्रमोशन वगैरह करते हैं गवर्नमेंट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, लैंटर्न इवेंट हम लोग कराते हैं जयपुर में, जिसमें कि गवर्नमेंट, राजस्थान टूरिज्म वगैरह को एसोसिएटेड है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाते हैं। वो आप कराते हैं कि आप उसमें पार्ट रहते हैं? मैं उसमें पार्ट रहता हूँ, मेरे पार्टनर संजय चौहान जो जयपुर ब्लॉग रन करते हैं, उनके साथ ही करते हैं। बिल्कुल, राइट। सो रजत, आपकी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट? So it all started in 2009-10 जब मैं 10th 11th क्लास में था। तो सबसे पहले फाइबर पे ईबुक्स बेचना स्टार्ट किया था, लोग बनाते थे, जब नया नया फाइबर आया था, जब $5 का था, तो मजे में स्टार्ट किया था, मजे में करते करते काफी अच्छा हो गया। फिर उससे बोर हो गए तो फेसबुक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग काम था, आई विश वो आज भी चल रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली 2013-14 तक वो काम हुआ एंड फेसबुक ने एक अपडेट लाया जिसकी वजह से सारी थर्ड पार्टी एप्स चलना बंद हो गई थी। 2015 में वो अपडेट लेकर आया, 14-15 के आसपास। उससे पहले बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा लुक कमाया, बहुत कुछ किया, CPA वगैरह करा, डिस्प्ले एड्स होते हैं जैसे लाइव स्ट्रीम मीडिया वगैरह के नेटवर्क थे, वो सब हमने काफी अच्छे लेवल पे उस पर काम किया था। फिर 2014 में जब वो सारा काम 2014-15 में बंद हुआ, तो जयपुर सिटी ब्लॉग स्टार्ट किया आउट ऑफ पैशन, बिकॉज कुछ और करने को नहीं था, फेसबुक एप्लीकेशन बंद हो चुकी थी। तो जयपुर सिटी ब्लॉग करते करते 2-3 साल में वो अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो गया था, बिकॉज तब जयपुर में कोई कर नहीं रहा था जब हमने किया, तो वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज थी कि हम लोग को बड़ा ब्रांड बन गया, एवरीवन नोज अस। और सबसे अच्छी बात है, आज तक 100 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया जयपुर सिटी ब्लॉग पे, एक के पास भी हम नहीं गए, सब हमारे पास आए हैं, भले ही वो गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनिक राजस्थान के बड़े से बड़े IAS ऑफिसर्स हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या राजस्थान टूरिज्म के हेड हो, या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के हेड हो, कोई भी हो, सब हमारे पास अपने आप आए हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, ताज होटल सब कोई हो। फिर 2016 में सोचा कि चलो ये सब तो हो गया, ब्लॉगिंग वॉगिंग कुछ नया करते हैं, तो यूट्यूब पे एक म्यूजिक चैनल बनाया बॉलीवुड म्यूजिक के नाम से, वो उस पर हम लोग जूक बॉक्सेस वगैरह मैशअप्स वगैरह डालते थे, एंड वो 2 साल के अंदर उसको हमने, पहले साल में हम सिल्वर क्रिएटर्स अवार्ड लेके आए विद इन 1 ईयर ऑफ स्टार्टिंग, 1 रुपए हमने खर्च नहीं किया, सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। उसके बाद उसको सिल्वर क्रिएटर्स अवार्ड आया विद इन अनदर 1 ईयर, 2019 में हम लोगों ने गोल्ड क्रिएटर्स अवार्ड आया। अब जब गोल्ड क्रिएटर्स अवार्ड आया तब सेटिस्फेक्शन हो गया कि बस 1 मिलियन हो गया, कि अब कुछ और करते हैं, ये तो चलता रहेगा, तो वो अगेन मेरी टीम संभाले लग गई। फिर मैंने 2018 में बस एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आगे बढ़ के काम आया, जो काफी अच्छे लेवल का था, जिसके लिए आपने मेरे से भी बात की थी 2018 में, और कंसल्टिंग का उस टाइम में नहीं बन पाया बात, और अभी के टाइम में जो इनकी जिनका इन्होंने प्रमोशन किया वो एजुकेशन ऐप है, जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, मन की बात लोकसभा में भी थी, लोकसभा लंदन में की थी, और एक बार ट्विटर पर ट्वीट किया, राइट? सो उसके बारे में बात की है, 500,000 के लगभग उसमें इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और काफी अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा यहीं से मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि आपने रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ काम किया है जिसमें आपने अराउंड 23 लाख रुपए से खर्च किए हैं और उन्हें 10 CR के लगभग रेवेन्यू जनरेट किया एजुकेशन में, राइट? तो उसके बारे में वो मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। तो आज से 1.5-2 साल पहले लास्ट टू लास्ट सेशन जो कहते हैं कॉलेजेस के नाम से सेशन होते हैं, तो उसमें हम लोग उनके पास, उन्होंने हमें कॉल किया था कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, और अभी तक हम लोग बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं, 10 साल में 10 एजेंसी चेंज कर ली बट कोई फायदा नहीं हुआ,
रेवेन्यू कोई फायदा नहीं होता, मेरे को लगता है सोशल मीडिया बेकार चीज है। मैंने कहा आप गिव मी अ चांस, जो आप फीस दूसरी एजेंसी को देते हैं उससे कम फीस लूंगा और आपका एडवर्टाइजमेंट बजट ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे, जो खर्चा करेंगे जैसे सर ने बताया कि 23 लाख रुपए खर्च किए वो एज इट इज उसका रिसिप्ट होंगे, उसका एक्सेस होगा, आप पूरा चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने उनके एड्स रन किए सोशल मीडिया पे, गूगल पे, पीपीसी वगैरह किया, वेबिनार्स करवाए, काफी कुछ किया। विद इन सेम सेशन, उसी सेशन के अंदर उनके एडमिशन जहां 70-75 होते थे, पहले सेशन में 3 महीने के अंदर वो एडमिशन 70-75 से 130 एडमिशन हो गए थे, डबल ऑलमोस्ट हो गए थे। और एक एडमिशन को 7.5 लाख रुपए देता है, तो 130 एडमिशन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए के आसपास। राइट, इस सेशन में अगेन हमारा टारगेट जो 120 सीट्स का टारगेट था अब वो 180 हो गया है, और आई एम श्योर इस साल उससे भी ज्यादा अच्छा आरओआई आएगा, उससे भी ज्यादा अच्छा कन्वर्जन और उससे कम प्राइस में करेंगे। सो आप जो इससे कम प्राइस में करेंगे, आप जो भी करेंगे, तो उसमें अपस्किल का जो लोगों ने क्लास किया था, स्केलिंग वगैरह, वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। राइट, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना चीज करते थे, इतना चीज आप ऑलरेडी करते थे, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग होते ना कि मैं सारी चीजें करता हूँ, मेरे को सब आता है, तो उसके बाद अपस्किल ज्वाइन करने का क्या रीजन आपके सामने में आया था? क्योंकि यू ऑलरेडी डन अपस्किल ज्वाइन करते, पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, आपने एजेंसी डाल गई एंड यू वर्क विद, राइट? तो व्हाट इज द रीजन यू फाइंड दैट यू ज्वाइंड अपस्किल? सो मेरा ये मानना है कि लाइफ इज एवर लर्निंग प्रोसेस, कभी आप किसी को भी नहीं कह सकते कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर समय लर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए। इसीलिए मेरा एक मोटिव था, मैं अपस्किल ज्वाइन करता हूँ जहां मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरे को हर एक चीज आती होगी डीप में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती थी कि मेरे एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है, कुछ कुछ चीजें जहां पर मैं खुद आंसर नहीं कर पाता हूँ, जिसमें से एक था कि SEO ORM में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को ऑल्दो नॉलेज है बट एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है। तो जब तक मुझे ही नहीं आती होगी तब तक मेरे एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं बट मुझे नहीं मालूम क्या मैटर कैसा करेंगे। प्लस इसके अलावा कई सारे नए नए टूल्स मेरे को मालूम पड़े अपस्किल से, जिससे कि मेरे को बहुत सारी चीजें पता लगे कि यार जिस काम को हम 4 घंटे में कर रहे हैं वो 15 मिनट का काम भी नहीं है। तो वो सारी चीजें अपस्किल से सीखने को, उससे बेसिकली यही हुआ कि एजेंसी में यही होता है टाइम का, टाइम कि अगर आप 10 घंटे में काम कर लिए हैं तो आप 4 घंटे में 4 क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, 4 गुना रेवेन्यू, टाइम का पैसा है, टाइम का पैसा है। राइट, स्टोरी टेलिंग हुई, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, मतलब इतनी सारी क्लासेस हुई, इतने घंटों के सेशन हुए, तो मतलब मैं 2-5 मिनट के वीडियो में इतना सारा एक्सपीरियंस हुआ बट काफी हेल्पफुल रहा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा करना चाहिए, और दुनिया इंडिया में हमारे शहर में भी दुनिया भर के इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग के, बट मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूँ नोएडा में अपस्किल है, गुड़गांव में भी अब तो ऑनलाइन भी है, तो वहां करना चाहिए। आपकी जर्नी काफी अच्छी रही अपस्किल के साथ में, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट की जर्नी अच्छी रहे, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन, वर्ल्ड लेवल का जो काम होता है वो चीज करने का, और जो हम एग्जीक्यूट किए वो करने का। और सबसे बड़ी बात कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ऑल दोस थिंग वी वर्क ऑन माइंडसेट, राइट? तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम तो यही चाहेंगे कि आप हमेशा बेहतर करो, क्योंकि अगर आप बेहतर करोगे तो हम बोलेंगे मेरा स्टूडेंट बेहतर कर रहा है। बिल्कुल, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर बेहतर ही, हमारा तो लाइफ टाइम सपोर्ट ही है, राइट? तो और बेहतर कीजिए, और बेटर कीजिए, और बेटर तरीके से खुल के निकलिए, यहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी बन जाइए, बिल्कुल राइट, वर्ल्ड लेवल की एजेंसी जयपुर से निकल जाए, हमें और क्या चाहिए, राइट? And you will do that, you can do that because you are doing phenomenal work, and thank you very much for doing all the hard work, and thank you very much for this interview. Thank you so much. So, दोस्तों आपसे मिलते हैं कभी किसी और स्टूडेंट के साथ में किसी और इंटरव्यू लेके, और उनकी जगह आने कहने के लिए। और इस इंटरव्यू का सोल पर्पस ये है कि ताकि आप लोग जाने कि एक नॉर्मल सा आदमी के अंदर में क्या पावर है, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, तो आपको ये बताने के लिए हमने ये पूरी सीरीज स्टार्ट की है। सो थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।